नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुई कांग्रेस पार्टी की बैठक, लोकसभा चुनाव पर बनी रणनीति। विपक्ष का केंद्र सरकार पर आरोप, कहा कि कुछ महीने पहले आई प्राकृतिक आपदा में धराशायी हुए थे करीब 16,000 मकान, केंद्र सरकार से नहीं मिली आर्थिक सहायता। कहा कि हमारी सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति को दी थी 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, पीड़ितों के प्रति केंद्र की मोदी सरकार ने जरा भी नहीं दिखाई संवेदनशीलता। डिप्टी सीएम ने कहा कि एक साल पहले हिमाचल प्रदेश में थी बीजेपी की सरकार, जो प्रदेश को भारी कर्ज में छोड़कर गई है। उन्होंने कहा कि हमें प्राकृतिक आपदा में भी केंद्र सरकार से नहीं मिला किसी प्रकार का कोई क्लेम, केंद्र सरकार कर रही हिमाचल के साथ बड़ा भेदभाव। चंद्रकांत पांडे की रिपोर्ट। देखिए कि एक साल पहले हमने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई थी और उस सरकार बनाने में श्रीमती प्रियंका जी का और श्री शुक्ला जी का बहुत अहम योगदान रहा था। इन्होंने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की थी और उसके बाद हमारे साथ डट के कंपेन किया। अब एक साल हमारी गवर्नमेंट ने काम किया है, कांग्रेस की सरकार ने डिलीवर किया है हिमाचल प्रदेश में, और सबसे बड़ी त्रासदी इस दौरान हिमाचल प्रदेश में आई जिसमें 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उसके बावजूद भी हमने हर हिमाचली को मदद की है और जो 16,000 के आसपास मकान धराशायी हो गए उन सबको 7-7 लाख रुपए तक की राशि मुहैया करवाई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और हालांकि हमें केंद्र से मदद नहीं हुई और हम चाहते थे कि हमें आर्थिक पैकेज मिले, वो पैकेज नहीं मिला। हम चाहते थे कि हमें क्लेम मिल जाए, जो हमने क्लेम भेजा है केंद्र सरकार को, वो भी हमें नहीं मिला। और हमारे प्रदेश के ऊपर भारी भरकम कर्ज जो है बीजेपी की सरकार छोड़ के गई है, 92,000 करोड़ की देनदारियाँ हैं और कर्ज है, और हमारा जो है कर्ज की सीमाएँ घटा दी गई हैं, हमारे फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट्स पे कैप लगा दी गई है, हमें जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो घटा दी गई है, जीएसटी का कंपनसेशन जो है बंद कर दिया गया है, या फिर जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो दिल्ली सरकार के पास हैं उन सब पे जो है गला घोंट दिया गया है और हमें वो पैसा दिया नहीं जा रहा है। इसके बावजूद भी प्रदेश में सरकार ने काम किया है और अब जब चुनाव आएंगे, और हम आभारी हैं खड़गे साहब के और राहुल जी के कि उन्होंने फिर से शुक्ला जी को प्रभार हिमाचल का दिया है, और इनकी देखरेख में हम फिर से रणनीति बनाएंगे। और हमारे सेक्रेटरी हैं तेजेंद्र बिट्टू जी, और हम चाहते हैं कि वो प्रदेश में कैंप करें और हम स्ट्रेटजीज बनाएं। और प्रदेश में इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं, जो टॉप लीडरशिप है, उन्होंने हिमाचल प्रदेश का दौरा नहीं किया, और जबकि दूसरे राज्यों को इतनी बड़ी मदद हुई है, हिमाचल प्रदेश को किसी भी तरह से मदद करने के बारे में सोचा तक नहीं किया गया। तो ये बहुत इश्यूज हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। जो हमने प्रॉमिसेस किए हैं, जो हमने गारंटियाँ दी हैं, वो हमारा राजधर्म है, उसको हम निभाएंगे और हम लोकसभा की चारों सीटें पूरी ताकत से लड़ेंगे। हम इलेक्शन मोड में जा रहे हैं, आज से हम इलेक्शन मोड में जा रहे हैं और आज से हमारा कैंपेन शुरू है। थैंक यू, धन्यवाद। कर तो दिया वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।